यह सुबह है अरावली पर्वत के मध्य महेंद्रगढ़ में कीकड़ के पेड़ों के बीच एक ऐसे दीपक की जिसमें दमखम है पूरे विश्व को प्रज्वलित करने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2009 के तहत भारत सरकार के द्वारा किया गया। प्राकृतिक खूबियों से भरपूर यह यूनिवर्सिटी वैसे तो NCR दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है, परंतु दूसरे प्रदेशों से आने के क्रम में हमें पहले दिल्ली आना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये गेट नंबर 1 है, और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो ये प्रशासनिक भवन है। मूलतः यूनिवर्सिटी का 3 गेट है, गेट नंबर 1, 2 और 3। ये जो गेट था ये पाली यानी धौली गेट आप इसे बोल सकते हो, और ये जो बिल्डिंग सामने देख रहे हो ये प्रशासनिक भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित है। ये आप अंदर का इंटीरियर डिजाइन देख सकते हो। ये सुगम इलाका वाईफाई पार्क कहलाता है, और ये जो बिल्डिंगें देख रहे हो ये एकेडमिक ब्लॉक है। इन बिल्डिंगों में हमारा क्लास चला करता है, सारे क्लासेस वातानुकूलित है और सारी उपकरणों और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये जो इलाका देख रहे हो ये वाईफाई पार्क है, जहाँ पे आपको राउटर लगा दिखेगा। आप देख सकते हो कि कैसे प्रकृति की गोद में ये जो यूनिवर्सिटी है वो बसा हुआ है। बहुत ही प्रतिभावान टीचर शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, और यूनिवर्सिटी में कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ हुआ करता है। हमारे यूनिवर्सिटी का मोटो है विद्या धनम सर्वधनम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपने परमानेंट कैंपस में आने के पहले 2013 तक नारनौल के एक कॉलेज में चला करता था। 2013 में ये यूनिवर्सिटी हमारे परमानेंट कैंपस महेंद्रगढ़ जाटपाली में वापस आ गया। हमारे यूनिवर्सिटी में इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जितने भी लैबोरेटरीज हैं उनमें आधुनिक उपकरण और जो सामग्री होते हैं वो मौजूद हुआ करते हैं। सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे कंप्यूटर लैब हैं, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर अवेलेबल हैं। सारे डिपार्टमेंट का क्लासरूम वातानुकूलित है, और सारे डिपार्टमेंट का अपना वर्चुअल क्लासरूम है, जो कि आधुनिक सुविधाओं जैसे कैमरा और प्रोजेक्टर डिजिटल बोर्ड से लैस हैं। आप देख सकते हो इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे दिखता है हमारा क्लासरूम। यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस वाईफाई युक्त है, और यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी भी मौजूद है। सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे किताबें मिल जाएंगी, इसके अलावा जर्नल्स और न्यूज़पेपर भी मिलते हैं यहाँ। लाइब्रेरी का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक, और लाइब्रेरी में पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम है बुक इशू होने का। इसके अलावा बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पास अपना ऑडिटोरियम है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है वो खेलों पर ज़्यादा ध्यान देता है। खेल के साथ साथ योगा का अलग एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जिम का भी व्यवस्था उपलब्ध है। बाकी तो आप जानते ही हो कि हॉस्टल का खाना कैसा होता है। यूनिवर्सिटी सारे बच्चों को तो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हाँ, लड़कियों में सबको हॉस्टल मिल जाता है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही हरा भरा है, और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सारे पशु पक्षी देखने को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप देख रहे हैं नील गाय, और हर्बल पार्क भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, जो कि अभी प्रोसेस में है। यूनिवर्सिटी के सारे बिल्डिंगों पे आप देखेंगे कि सोलर पैनल लगा हुआ है। फैसिलिटीज की बात करें तो कैंपस के अंदर पंजाब नेशनल बैंक है, इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस है, यूनिवर्सिटी का अपना कैंटीन है, और बस फैसिलिटी अवेलेबल है जो कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी का एक अपना डिस्पेंसरी है, जहां आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां पे मिलता है। इसके अलावा बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटा सा हेलीपैड भी उपलब्ध है, बना हुआ है, जो कि गेट नंबर 1 के पास है।
ये आप देख सकते हो एकेडमिक ब्लॉक का इंटीरियर स्ट्रक्चर और ये लाइब्रेरी के पास का दृश्य है। ये लैबोरेटरी है, केमिस्ट्री लैबोरेटरी। जो कैंपस है वो एक रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में है, तो यूनिवर्सिटी ने कुछ गांवों को गोद ले रखा है जहां पर समय समय पर प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित हुआ करते हैं ताकि गांवों का विकास हो सके और वहां के बच्चे उभर के बाहर निकल सके। यूनिवर्सिटी में हर साल लगभग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है और साइंस एग्जीबिशन जैसे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुआ करते हैं। यूनिवर्सिटी लगभग हर साल फरवरी मार्च के महीने में कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह आयोजित करता है जिसमें डिग्री वितरण का समारोह होता है। इसके साथ ही एनुअल फंक्शन भी कन्वोकेशन के साथ साथ हो जाया करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के CUH से रिलेटेड झलकियाँ पाते रहने के लिए। That's all, thank you. आप वीडियो को लास्ट तक देखें और लुत्फ उठाएं।